वेलकम टू ए न्यू व्लॉग सबको एक नया वीडियो में स्वागत है। अंधारे को वणक्का एल्लार्कुम नमस्कार है ना शोशु। तो हम लोग है ना आज ये तो एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कहाँ नेक्स्ट ट्रिप कहाँ है, वेयर वी आर गोइंग टू मीन्स दे आर आस्किंग वेयर यू आर गोइंग टू नेक्स्ट ट्रिप। हम लोग नेक्स्ट ट्रिप पर कहाँ जा रहे करके बहुत क्वेश्चन भी आता है कमेंट में। तो हम लोग क्या सोचा अभी उसके बारे में एक जानकारी के लिए हम लोग भी बहुत दिन से सोच रहे हैं, एक आइडिया हम लोगों को भी आना चाहिए ना, इसलिए हम लोग भी वेट कर रहे थे। हम लोग सोचा एक आइडिया मिला वो बोल रहे हैं ना, उसमें शायद बाद में कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं क्योंकि कोरोना सिचुएशन है तो सब देखकर थोड़ा इधर उधर हो जाएगा है ना शोश। तो आप सब लोग जानते हैं एवरीबडी नोस 2020 और फर्स्ट लॉन्ग राइड, सो मेनी राइड्स वी डन है ना, बट आवर लॉन्ग राइड इट्स हैपेंड ऑन 2020 वी वेंट नैनीटाल है ना शोशु। नैनीटाल कौन से मंथ में, नवंबर में, नवंबर में गया था। तो अराउंड 4600 किलोमीटर हम लोग टू व्हीलर राइड किया था, 12 दिन में कंप्लीट करके हम लोग वापस आए थे ना, बैंगलोर टू नैनीटाल, नैनीटाल टू रिटर्न बैंगलोर रिटर्न। तो उसके बाद फिर हम लोग सोच रहे थे, फिर हमारा एक ड्रीम था लद्दाख जाने का, लेह लद्दाख हमारा वन ऑफ द ड्रीम था राइड जाने का। तो आप सब लोग जानते हैं 2021 अगस्त में वो सक्सेस हो गया है ना शोशु, हमारा ड्रीम राइड बैंगलोर टू लेह लद्दाख टू जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी टू धनुषकोडी में हम लोग राइड कंप्लीट करके वापस, तो वी रिटर्न टू बैंगलोर वापस आ गया। अराउंड मोर देन 9140 किलोमीटर हम लोग राइड किया था। शोशु का पैर को थोड़ा किरकिरी हुआ ना छोटा ना, तो वो कंप्लीट करके सक्सेसफुली वी कंप्लीटेड दैट राइड, हैप्पी से हम लोग सक्सेस करके आया था। तो आप लोग कोई भी व्लॉग नहीं देखा तो देखना चाहिए है ना, वो भूलना नहीं है ना, फेसबुक पेज में भी है, हमारे यूट्यूब चैनल में भी है, आप लोग देख सकते हैं, देखना चाहिए। विदाउट यूर सपोर्ट वी कांट मेक सक्सेस। आप लोग सब देखकर शेयर करने से ही, हमारा वीडियो जाने से ही हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। ये चैनल नहीं तो ये फेसबुक पेज ही हमारा लाइफ है, इसलिए बोल रहे हैं ना शोशु। शोशु अभी बाहर गई है इसे, फिर अभी हम लोग है ना वो कंप्लीट करके आ गया। उसके बाद फिर हम लोग प्लान किया था नेपाल जाने का। आप सब लोग जानते हैं अभी रिसेंटली हम लोग नेपाल गया था, कौन से दिसंबर में हम लोग नेपाल गया, December 30th को ही हम लोग वापस भी आ गया। तो अराउंड 15 days का ड्राइव था वो, हम लोग सब स्टोरी आप लोग देख सुना होगा, हम लोग बताया वीडियो में। तो हम लोग दिसंबर में जाकर 15 days का ट्रैवल था, हम लोग नेपाल भूटान INB ट्रिप का प्लान बनाया था। भूटान तो अभी तक सब लोग जानते हैं कोरोना की वजह से तो ओपन नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग वो कट करके नेपाल भूटान अभी पेंडिंग करके हम लोग आया है। तो वो भी सक्सेसफुली हम लोग कंप्लीट किया करके आ गया। तो अभी क्या नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं तो कहीं भी जाना चाहिए। फिर और एक बात क्या होते है, छोटे मोटे ट्रिप राइड जाते तो वो वीडियो इतना सक्सेस नहीं होते, थोड़ा तो व्यू आता है फिर भी उसमें इतना तो व्यू ज़्यादा भी नहीं आ रहा है, एक सक्सेस भी नहीं हो रहे। तो हम लोग क्या है ना एक लॉन्ग प्लान तो करना ही पड़ेगा। लॉन्ग प्लान कर क्यों कर रहे हैं, ये ट्रैवल व्लॉग ही हम लोगों का लाइफ है ना, तो उसको सक्सेस करने के लिए कुछ तो सब लोग काम करते हैं वैसे हम लोग भी करना चाहिए। ट्रैवल व्लॉग घर में बैठकर बनाना भी ठीक नहीं होता है ना शोशु, वो तो चेंज करके ही बनाना भी पड़ेगा ट्रैवल करके। तो हम लोग इस साल मीन्स नए 2022 अभी भी कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, लॉकडाउन होते हैं फिर, तो हम लोग एक प्लान डाला है। वो कैसे आगे आगे उसको करेगा मालूम नहीं। एक तो हमारा सब लोगों को माला पेंडिंग है भूटान का, वो उधर रहने दो। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं अभी इस साल का तो बोलने वाले थे, इस साल तो हम लोग प्लान डाला है तो 3 प्लान है ना शोशु। इस साल में 3 प्लान हम लोग सोच कर रखा है, कैसा हो जाएगा क्या क्या करेगा कुछ मालूम नहीं है। तो हम लोग बहुत सोच समझ कर 3 प्लान डाला है। फर्स्ट तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, एक
नॉर्थ ईस्ट ट्रिप हम लोग अभी तक है अरुणाचल प्रदेश मेघालय सिक्किम नागालैंड ये साइड हम लोग बिल्कुल नहीं गया, एक बार भी नहीं गया। तो हम लोग सोच रहे वैसा एक ट्रिप प्लान करो, वो स्कूटर राइड है कार लाइफ है तो वो बाद में ही हम लोग बता सकते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं लिया। उसमें क्या होती है ना कुछ तो वो स्पॉन्सरशिप के बारे में भी सोच कर ही हम लोग करते हैं उसका डिसीशन फिर बाद में। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रिप एक प्लान है हम लोगों का इस साल का। तीन प्लान मीन्स तीन प्लान भी हम लोग करेगा ऐसा भी नहीं है, करने का है हम लोगों को, है ना शोशु? वो कौन से महीने में करेगा, कौन से तारीख में करेगा, विच डेट वी विल डू, विच मंथ वी विल डू, तो एवरीथिंग वी विल अनाउंस लेटर। और आवर नेक्स्ट मेन प्लान होता है लद्दाख, लेह लद्दाख। तो फर्स्ट टाइम हम लोग जाते तो शायद उतना हम लोग एंटरटेन नहीं किया लद्दाख, तो क्योंकि पहली बार था, थोड़ा रोड में मुश्किल था, थोड़ा डर था, तो वो अलग था। अभी हम लोग थोड़ा तो समझ में आ गया क्या है लद्दाख, इसलिए हम लोग हमारे एक आशा है दोबारा एक राइड जाओ, राइड नहीं राइड है या ड्राइव तो फिक्स करना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा करके हम लोग कैसे सोचे, कन्याकुमारी टू ले लद्दाख, नहीं तो बैंगलोर टू ले लद्दाख, ले लद्दाख टू कन्याकुमारी ऐसा करेगा, नहीं तो बैंगलोर टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी टू ले लद्दाख एंड ले लद्दाख टू बैंगलोर वैसा भी करेगा। तो वो भी सो एक बड़ा सा करना पड़ेगा हम लोग। ये दो प्लान है मेन अभी का, और एक प्लान है वो तो एक नेक्स्ट वीडियो में बोल देंगे, है ना शेषि? वो प्लान मीन्स एक बहुत बड़ा प्लान है, हो जाएगा अभी पता नहीं है, तो अभी नहीं बोल रहे, उसके बारे में थोड़ा और सोचना पड़ेगा। वही हमारा एक लंबा सा बड़ा सा एक राइड है, वो हम लोग बाद में एक वीडियो में आप लोगों को अनाउंस करेंगे। आप लोग विदाउट योर सपोर्ट वी कांट मेक सक्सेस, उसको सक्सेस होगा जा आप नहीं पा, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, उसको थोड़ा और सुधरना पड़ेगा तब भी उसके बारे में एक फाइनल डिसीशन, नहीं तो एक आइडिया भी बोल सकते हैं। हम लोगों का मन में वो पिक्चर है, रात में मैं सोती तो भी वही पिक्चर रनिंग होता है मेरे सिर पे, है ना शशु? वो राइड भी अभी हम लोगों का एक ड्रीम हो गया, ड्रीम भी है लाइफ भी है वो, तो वो बाद में बोल देंगे। अभी का हमारा है नॉर्थ ईस्ट का एक ट्रिप प्लानिंग है, और एक है हमारा एक इतना हमारे ईगरली वेटिंग फॉर आवर दिस ईयर लद्दाख ट्रिप ऑल्सो, है ना शोशु? इसमें और एक बात है स्पॉन्सरशिप का, हाँ उसमें वो एक बात हम लोगों को बोलना है, कुछ लोग क्या होते हैं ना, हम लोग कभी भी ऐसे पोस्ट डालते हैं ना स्पॉन्सरशिप, वी आर एक्सपेक्टिंग स्पॉन्सरशिप करके देखते, तो क्या सोचते हैं ना स्पॉन्सरशिप के बारे में उनको जानकारी नहीं है, स्पॉन्सरशिप क्या है, वो क्या होते हैं, सब लोग आकर क्या सोचते हैं, कुछ सब लोग नहीं सॉरी कुछ लोग, वो जानबूझकर भी आने वाले लोग भी है, वैसे क्या है कैसे बोलते हैं ना, ओ दूसरों का पैसा लेकर घूमने जाने के लिए रेडी है, हम लोग किसी का पैसा लेकर घूमने की कोई तैयारी नहीं है। हम लोग कोई भी प्लान रेडी करते तो हमारे ऊपर डिपेंड करके हम लोग रेडी करते हैं। ये स्पॉन्सरशिप क्या है समझना चाहिए, स्पॉन्सरशिप क्या होते हैं, एक पेड प्रमोशन होते हैं, कोई हम लोगों को प्रमोट करते तो उनका प्रोडक्ट को हम लोग एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए, तो ऐसा ही हम लोग क्या वही हम लोग एक्सपेक्ट करता है पेड प्रमोशन, दैट इज़ वी आर एक्सपेक्टिंग द स्पॉन्सरशिप। आपका कुछ बिजनेस है या कुछ गाड़ी कुछ भी कंपनी का हम लोगों को स्पॉन्सर करते, ये ड्राइव और राइड में आप लोग हम लोगों को स्पॉन्सर करते तो हम लोग मैक्सिमम आपका प्रोडक्ट का, है ना शोशु? मैक्सिमम इन 110% हम लोग ट्राई करेंगे आपका प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देने के लिए हमारे वीडियो थ्रू, यही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं स्पॉन्सरशिप। और आप मत सोचना कोई भी आप लोगों का किसी का और पैसा फ्री में हम लोगों को लेकर हम लोग जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, है ना? तो स्पॉन्सरशिप के बारे में समझ कर कमेंट करना, है ना? वैसे लिखते तो हम लोगों को भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो स्पॉन्सरशिप मीन सब लोग करते ही, हम लोग बस नहीं है, ट्रैवल लोग कोई भी कर रहे हैं, आप कोई भी स्टेट में, अभी कर्नाटका हो, केरला हो, कोई भी इंडिया के कोई भी, तमिलनाडु कोई भी स्टेट के ट्रैवल व्लॉग करते हैं ना, राइड ट्रैवल व्लॉग सबको आप लोग देख सकते हैं, उसमें स्पॉन्सरशिप का सब लोग बोलते हैं पेड प्रमोशन की तरह, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके वो एडवर्टाइजमेंट देने की बात है, इसलिए हम लोग
इस बार भी स्ट्रॉन्गली वी आर एक्सपेक्टिंग स्पॉन्सरशिप, है ना शोशु? शोशु का हंसी देखो, ये सुनकर शोशु को भी हंसी हो रहे, मैंने क्या बोले, नहीं है ना शोशु? कुछ लोग ऐसे बोलते तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगते थे। और एक बात, कोई भी स्पॉन्सरशिप करते वक्त तो उनको तो काम करके हम लोग उनका ऐड भी देना पड़ना है, हम लोग भी वही चाहते हैं, स्ट्रिक्टली वी वॉन्ट टू डू दैट एडवर्टाइजमेंट, पेड प्रमोशन। तो ये राइड में भी, राइड ही आता है मुंह पे, राइड और ड्राइव है तो भी हम लोग वी आर एक्सपेक्टिंग जेन्युइन स्पॉन्सरशिप, नॉट इंसल्टिंग स्पॉन्सरशिप। तो जेन्युइन स्पॉन्सरशिप मिल गया तो हम लोग ले लेंगे, नहीं तो भी हम लोग करेंगे, वो अलग बात है, वो हम लोगों का टास्क होता है, हमारा जर्नी होता है, वो दूसरों पर डिपेंड करके हम लोग प्लान नहीं करता, हमारा प्लानिंग होता है उसमें हम लोग एक्सपेक्ट करता है, नहीं तो नहीं, ऐसे हम लोग हैप्पी से सक्सेस करेंगे। एक बड़ा सा प्लान है वो लेकर बाद में आएंगे, तब तक के लिए वो वीडियो वेट करना, बाद में आएगा। इसके सबके अलावा और एक बात बताना है, बीच बीच में तो छोटा मोटा राइड इतनी होता रहेगा, छोटा मोटा प्लान तो है, वो अभी कंटिन्यूएशन में आएगा, वीडियो भी आएगा। ये दो प्लान होते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट का प्लान, लद्दाख, लेह लद्दाख का प्लान तो हम लोग मंथ डेट तो बाद में बोल देंगे, और हमारा लूंग बड़ा सा है ना एक प्लान है, वो बाद में नेक्स्ट कभी भी एक वीडियो हम लोग बनाकर आपको डाल देंगे, जल्दी वेट एंड सी फॉर दैट वीडियो, है ना? दैट इज ए बिग थिंग फॉर अस, हम लोगों के लिए एक बड़ा सा बिग ड्रीम है वो, तो बाद में देखेंगे, तब तक के लिए बाय नहीं बोलता, वेट एंड सी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग अवर वीडियो। कुछ भी प्रॉब्लम, कमी, अभी क्या है ना, ज़्यादा ट्रैवल कर नहीं पा रहे हम लोग, इसलिए छोटा मोटा एडजस्ट करके वीडियो डाल रहे हैं, अभी और एक अच्छा वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। विदाउट योर सपोर्ट वी कांट मेक, हाँ बाय नहीं बोलते, विदाउट योर सपोर्ट वी कांट मेक सक्सेस, है ना? बोल दो, पिंकी और चिंडू भी हाय बोल रहे, सब लोगों को हाय बोल दिया, सब लोग वीडियो, हम लोगों का वीडियो देखना, शेयर करना, सपोर्ट करना, थैंक यू, बाय नहीं बोलते।